So we are all set for the big final which is going to happen in Barbados, Bridgetown. Ji haan dosto, India is all set to take on South Africa in the ICC T20 World Cup final. Aur aaj hum usi ki baat karenge, kya ho sakti hai kal ki wicket, आपकी टीम क्या हो सकती है और कौन जीत सकता है और सबसे ज्यादा रन अभी तक किसने स्कोर किया और कौन परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा, तो आज हम वही सब बात करें। तो पहले शुरुआत करते हैं दोनों टीम से। दोनों टीम अनबीटन हुई है, दोनों ने एक मैच भी नहीं हारा है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस डिलीवर करती आई है व्हेन इट कम्स टू द रिजल्ट्स। उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका ने अपना चोकर का टैग जो सेमीफाइनल में बाहर हो जाती थी उन्होंने साइडलाइन कर दिया और इस वक्त टीम इंडिया को एक और मौका मिला है नवंबर 23 भुलाने का। जी हाँ दोस्तों, नवंबर 19 भुलाने का, जिस दिन हम आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप का फाइनल एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद। मगर क्या हम नवंबर 19 भुला सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी की बात करेंगे। पहले तो ये बता देता हूँ ब्रिजटाउन बारबाडोस की विकेट कैसे होने वाली है। विकेट नॉर्मली जैसे आपने देखा वेस्ट इंडीज में स्लो विकेट रहेगी, सीमर्स को असिस्ट करेगी, थोड़ा स्विंग होगा, हवाएं तेज चल रही है तो सीमर्स फास्ट बॉलर्स को बहुत इस असिस्ट होने वाला है। बैटर्स का ज्यादा सेन नहीं होगा तो लगभग 160-170 तक टोटल होगा और शायद 170 जैसा आपने पिछली मैच में देखा था इंग्लैंड के सामने इंडिया का 170 विनिंग टोटल था। तो समझिए अगर टीम इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो 170 इज अ वेरी वेरी गुड टोटल टू डिफेंड, और अगर चेस करने की बात आई तो 130-140 में आपको सिमटा देना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद मुश्किल हो सकती है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर टॉप स्कोरर्स कौन है इन दोनों टीम्स के बीच? रोहित शर्मा 284 रन बनाए, उसके बाद क्विंटन डिकॉक 204 के स्कोर से आते हैं इस मैच में। और अगर सबसे ज्यादा विकेट्स की बात करें तो गुड न्यूज है कि अर्शदीप सिंह 15 विकेट से लीड कर रहे हैं इन दोनों की टीम के बीच। जसप्रीत बुमराह 13 विकेट के साथ आते हैं, एनरिक टोटे 13 विकेट के साथ, यानी तीसरे नंबर पे, तीसरे पायदान पे साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर लौटते हैं। और उसके बाद आते हैं करिसो रबाडा 12 विकेट के साथ, यानी यहाँ पर वेस्ट इंडीज और यूएसए में बॉलरों का बोल बाला रहा है अभी तक। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर कि क्या कल बॉलर्स का से रहेगा या बल्लेबाजों का, एक इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलेगी कल हमको, किसका से ज्यादा रहेगा, बल्लेबाज अटैक करेंगे या हमारे बॉलर्स विकेट्स निकालेंगे। और इसमें से मैं चाहता हूं, मेरा व्यू है कि फिर से बॉलर्स की यहां पर डोमिनेशन होने वाली है ब्रिजटाउन बारबाडोस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि प्रोबेबल्स कौन हो सकता है टीम इंडिया से। हमारी राय हमारी प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मोस्टली अनचेंज स्क्वाड होगा, मुझे लगता है ज्यादा कुछ चेंजेस विनिंग कॉम्बिनेशन को टच करने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली कंटिन्यू करेंगे बैटिंग ओपन करने से, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शिवम दुबे शायद ड्रॉप किए जाए तो मुझे लगता नहीं है कि वैसा कुछ होने वाला है। मगर अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, एडन मार्करम, हेनरिच क्लासेन, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टॉप्स, मार्को यानसन, केशव महाराज, करिसो रबाडा, हेनरी नॉर्टे और तबरेज शमसी, यानी उनका भी स्क्वाड लगभग सेम रहेगा जो उन्होंने पिछली बार अफगानिस्तान के सामने खेला था। जीती हुई टीम, दोनों टीम्स खिलाएंगी अपनी जीतती हुई 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम फैंटेसी टीम की बात करें, फैंटेसी 11 की, किसको पिक करना चाहिए आपको इसमें, तो मेरे सुझाव ये हैं कि आपको पिक करना चाहिए कप्तानी में रोहित शर्मा को। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा जैसे पिछले दो मैच में जबरदस्त फॉर्म दिखाए हैं, पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने 90 मारा, कल उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी इंग्लैंड के सामने, तो ही इज डेफिनेटली कैन बी द पिक फॉर द कैप्टन। उसके बाद कुलदीप यादव, हमें नहीं करना ड्रॉप कुलदीप यादव फ्रॉम कैप्टेंसी, ही कैन बी अ कैप्टन एज वेल। जिस तरह से उन्होंने अपना स्पिन का वेब चारों तरफ घेरा है वेस्टइंडीज या वेस्टइंडीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर किया, तो उनको भी आप कप्तान रख सकते हैं। अगर टॉप अलग प्लेयर्स की बात करेंगे तो टॉप प्लेयर्स में आप कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप सामने सामने पिक कर सकते हैं, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, दोनों बोथ प्लेयर्स हैव बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव। जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द रीजंस व्हाई टीम इंडिया हैज मेड इट टू द फाइनल्स ऑफ दिस टी20 वर्ल्ड कप, और हार्दिक पांड्या
I mean, we were not expecting much from this man, especially after his IPL performance. But then the way he's delivered, definitely that's quite impressive. He's one of the top picks that aapke fantasy team mein ho sakte hain. तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बजट की बात करते हैं, तो एडिन मार्करम कप्तान है जो साउथ अफ्रीका के, काफी इंप्रेसिव बैटर है और उन्होंने पिछले मैच में भी काफी क्रूशियल रोल प्ले किया था. ऑल्दो दैट मैच वॉज स्मॉल गेम, 56 ही चेस करना था अफगानिस्तान के सामने. और डेविड मिलर जो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए हैं आईपीएल में भी, उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, बट देन ही इज अ बिग मैच प्लेयर, तो यू कैन कीप हिम इन द स्क्वाड. तो अगर हम आगे की बात करें कि जो प्लेयर्स आपको फैंटेसी में पिक करना चाहिए, कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो सकते हैं, वो है सूर्य कुमार यादव, द मैन हु इज डिलीवर्ड इन दिस वर्ल्ड कप व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट. उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है टीम इंडिया के लिए, एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई टीम इंडिया कुड मेक इट, क्योंकि उन्होंने यूएस में भी डिलीवर किया, उन्होंने वेस्ट इंडीज में भी डिलीवर किया, और कल भी एक बड़ा मौका है जहां पर वो डिलीवर कर सकते हैं और टीम इंडिया को मैच जिता सकते हैं. उसके बाद मार्को यानसन, वी ऑल नो व्हाट एग्जैक्टली ही डिड इन द लास्ट फ्यू गेम्स, और ही इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर साउथ अफ्रीका. द टॉल लैंकी लेफ्ट आर्म पेसर, वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर द बैटर, he could be one of your picks. चलिए अगर हम fantasy 11 की बात करें, तो मेरी fantasy 11 में हो सकते हैं ये दो विकेट कीपर, ऋषभ पंत और हेनरिक क्लासेन. देखिए दोनों बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं, दोनों टॉप फॉर्म में हैं, खास करके ऋषभ पंत. हेनरिक क्लासेन ने इतना कुछ खास परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं किया, मगर कल बड़ा मैच है तो शायद उनका रोल बड़ा प्ले रहेगा. और उसके अलावा उन्होंने टीम इंडिया के बॉलर्स को देख चुके हैं काफी समय से आईपीएल में, और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर किया था उन्होंने आईपीएल में, तो ही एग्जैक्टली नोज हाउ दीज गाइज बोल, स्पेशली अक्षर पटेल और मे बी कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, तो ही कैन बी अ डेडली फोर्स. उसके बाद ऋषभ पंत, तो आप जानते हैं ये दो विकेट कीपर हमारी टीम में रह सकते हैं. अगर हम बैटर की बात करें तो डेविड मिलर एक होंगे, एक एडन मार्करम रख सकते हैं, रोहित शर्मा तो डेफिनेटली हैज टू बी वन ऑफ द की पिक्स, विराट कोहली एक बल्लेबाज हो सकते हैं, और सूर्य कुमार यादव. ऑलराउंडर की बात करें तो मार्को यानसन इज वन ऑफ द गुड चॉइसेस, हार्दिक पांड्या को भी रख सकते हैं आप स्लैश करके, क्योंकि दीज टू प्लेयर्स हैव बीन वेरी वेरी क्रूशियल फॉर देयर रिस्पेक्टिव टीम्स, तो हार्दिक पांड्या कैन बी वन ऑफ योर ऑलराउंडर्स. बॉलर्स की बात करें तो कुलदीप यादव एक आ जाते हैं, तबरेज शमसी, अगेन सेम टू सेम लाइक कुलदीप यादव, तबरेज शमसी, कई सूर्य बाडा या जसप्रीत बुमराह, तो ये आपकी चॉइस है एग्जैक्टली आप क्या रख सकते हैं, बट ये हमारी ड्रीम इलेवन थी जो आप पिक कर सकते हैं, जो आप सजेशन ले सकते हैं यहाँ से. अगर कप्तान की बात करें तो रोहित शर्मा को कप्तान रख सकते हैं या कुलदीप यादव को. जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव या रोहित शर्मा, और वाइस कैप्टन में से भी इन दोनों में से एक को चूज कर सकते हैं, और ये आपकी लिबर्टी है आपको कैसे चूज करना है. तो ये हमारी टीम थी, हमारा प्रीव्यू था बेसिकली क्रिकेट टैक्स पे, और हमारी टीम प्रेडिक्शन थे, और चांसेस ज्यादा हैं कि टीम इंडिया ये टाइटल ले जाएगी, खास करके 19 नवंबर के बाद से बहुत कुछ सीखा होगा उन्होंने, और बहुत कुछ वो इम्प्लीमेंट करेंगे. और पिछले दो मैच में इनकी बड़ी जीत रही है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के सामने, और ये दो जीत के बाद इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगा. तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आएंगे क्रिकेट नेक्स्ट पे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल. अभी ताउस रिजवी को दीजिए इजाजत, आई एम गोइंग टू मीट यू सून ऑन क्रिकेट नेक्स्ट, गुड बाय.